आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है तो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह है? तुमने पैदा किया था, आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नियत चिंता करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल धर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिन फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका भौतिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में आप कीर्ति मृत्यु से भी
अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग और ईश्वर की इच्छाएं जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने सोने और आमोद प्रमोद के कारणों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योग वास करके समस्त क्लेशों में छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसर रहना चाहिए।